What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. मुंबई स्ट्रीट स्टाइल जंगली ग्रिल सैंडविच बना रहा हूँ. अब ये ग्रिल सैंडविच जंगली वाला कौन सा होता है? तो मुंबई ग्रिल सैंडविच तो बहुत फेमस है ही, और हमारी YFL वाली मेरी जो रेसिपी है वो आप सबको पहले से ही बहुत पसंद है भी. अब जंगली सैंडविच जो है, बचपन में हम लोग जब भी रेस्टोरेंट्स में या स्ट्रीट्स पे भी जहाँ भी ग्रिल सैंडविच खाते थे वहाँ पर एक जंगली सैंडविच भी मिलता था. इसमें फ़र्क क्या होता था कि सब्जियों के साथ साथ एक मेयोनेज बेस्ड कोल्सलॉ भी जाता था सैंडविच के अंदर, और ये बहुत ही डिलिशियस लगता है. और जो कॉम्बिनेशन है उससे बहुत मज़ा आता है ग्रिल सैंडविच को खाने में. अब कोई भी मुंबई सैंडविच की जो जान है वो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो होती है सैंडविच मसाला, जो बहुत ही अलग होता है चाट मसाले से, और एक होती है सैंडविच चटनी, जो बहुत ही अलग होती है कोई भी नॉर्मल बेसिक ऑर्डिनरी ग्रीन चटनी से. तो ये रेसिपी में ये दोनों चीज़ें कैसे बनाते हैं एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल आपको बताने वाला हूँ, और फिर इससे जंगली ग्रिल सैंडविच एकदम परफेक्ट क्रिस्पी ग्रिल सैंडविच, वो भी बिना कोई इक्विपमेंट को यूज़ किए ग्रिल पैन के ऊपर कैसे बनाया जाता है वो आपको बताने वाला हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल YFL रेसिपी है. सबसे पहले सैंडविच मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए. जब पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर लीजिए. अब इसके अंदर एक टेबल स्पून ज़ीरा, एक टेबल स्पून सौंफ, एक टेबल स्पून काली मिर्च, दो टी स्पून लौंग और आधा चक्री फूल यानी स्टार एनीज इसमें ऐड कर दीजिए. अब इन मसालों को एकदम लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से थोड़ी महक आना नहीं शुरू हो जाए और आपके जो मसाले हैं वो अच्छे से गर्म होकर टोस्ट हो जाए. बस ध्यान दीजिए कि मसाले जो हैं वो जलने नहीं चाहिए. एक बार आप मसालों को भून लें तब इन्हें एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए. एक बार मसाले ठंडे हो जाएं तब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए. साथ ही में एक टीस्पून अनारदाना पाउडर, एक टेबलस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हींग, आधा टीस्पून सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, एक टेबलस्पून काला नमक और 2.5 टेबलस्पून नमक. अब सारे मसालों को आपको अच्छे से साथ में पीस के एक फाइन पाउडर बना लेना. तो मसालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच मसाला रेडी हो चुका है. तो हमारा सैंडविच मसाला रेडी हो गया है. अब इस मसाले को आप एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं. फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी रख सकते क्योंकि नमक काफ़ी ज़्यादा होता है तो ख़राब नहीं होता है. 5-6 महीने तो किधर नहीं गए, आराम से आप इजीली यूज़ कर सकते हो. लेकिन मैंने जो आज क्वांटिटीज़ बताई है मेरे घर पे तो ये महीने भर में ही ख़त्म हो जाता है, और हमेशा ये बना के रखता हूँ क्योंकि सिर्फ यही सैंडविच में नहीं, कोई भी सैंडविच हो उसके अंदर ये सैंडविच मसाला बस चले जाए बहुत ही ब्यूटीफुल सैंडविच बनता है. इनफैक्ट मैं सिर्फ बटर चटनी आलू ये वाला मसाला और चीज़ वाला भी सैंडविच खाता हूँ. ये मसाले और ये वाली जो चटनी जो मैं आगे बनाने वाला हूँ सैंडविच वाली चटनी, इससे वो आलू वाला सैंडविच भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है. अब नेक्स्ट आपको पता ही चल गया क्या बना रहा हूँ. तो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाने के लिए एक स्पेशल चटनी बनती है एकदम स्पाइसी वाली, वो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं. एक मिक्सर ग्राइंडर जार में एक बड़ा बंच धनिया का यानी लगभग 2 कप धनिया ले लीजिए, 10-12 तीखी वाली हरी मिर्च, 10-12 कड़ी पत्ते, 2-3 ब्लांच किए हुए पालक के पत्ते हैं ये ऑप्शनल है कलर के लिए, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून भुनी हुई चना दाल, 1 टीस्पून सैंडविच मसाला जो हमने तैयार किया था, टेस्ट के हिसाब से नमक. अब कुछ टुकड़े बर्फ़ के डाल दीजिए ये भी कलर रिटेन करने के लिए, और यहाँ पर एक स्लाइस ब्रेड ऐड कर रहा हूँ, ये एक ट्रिक है पानी को रिटेन करने के लिए चटनी में. अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन चटनी बना लेनी है. आपको अगर लगे कि पानी ऐड करना है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं आप पीसते समय चटनी को इजीली पीसने के लिए. एकदम फाइन चटनी आपको पीस लेनी है. तो आप देख सकते हो एकदम ब्यूटीफुल कलर आ गया और हमारी एकदम परफेक्ट सैंडविच चटनी रेडी हो गई है. तो इसी तरीके से बनती है मुंबई सैंडविच चटनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फ्लेवर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं. इसमें एक तो पुदीना नहीं पड़ता है, आपने देखा होगा, पुदीना मत ऐड कीजिए नहीं तो एकदम फ्लेवर अलग हो जाएगा. दूसरी बात, मिर्ची जो है वो तीखी वाली यूज़ करनी है, चटनी जो है एकदम तीखी होनी चाहिए. साथ ही में जो सैंडविच मसाला जाता है इसके अंदर उससे काफ़ी चटपटी भी बन जाती है, और वो जो गार्लिक का फ्लेवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें जब साथ में आती हैं बहुत अमेजिंग चटनी बनती है. पालक के जो पत्ते ब्लांच करके डालें, वो कलर के लिए डालें, वो सड़कों पे भी जो सैंडविच बनता है उसमें भी डाली जाती है पालक ग्रीन कलर के लिए. डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है. और जो ब्रेड का टुकड़ा मैंने डाला है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रीट्स पे जब भी सैंडविच बनाते हैं तो ब्रेड्स काफ़ी जो साइड्स भी बचते हैं या ब्रेड भी होती है वो चटनी बनाते टाइम ऐड कर देते हैं. ब्रेड जो है वो काफ़ी पानी पकड़ के रखती है सैंडविच में, तो सैंडविच के जब भी ब्रेड के ऊपर चटनी लगाई जाती है उसको टोस्ट करते हैं या काटते हैं तो पानी नहीं छूटता है, जो एक सैंडविच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो ब्रेड है वो काफ़ी सॉगी हो जाएगी. इसलिए ब्रेड डालते हैं
चटनी के अंदर पीसते समय। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो आप मत ऐड कीजिए। फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली कंसिस्टेंसी और टेक्सचर में फ़र्क पड़ जाता है चटनी के। तो ये थी प्रॉपर मुंबई स्टाइल सैंडविच चटनी। तो मसाला बन गया है, चटनी बन गई है। अब जंगली सैंडविच में जो कोल्सलॉ जाता है, जो मेयोनेज के साथ कैबेज गाजर वगैरह मिक्स करके बनाना है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल में एक कप श्रेड की हुई कैबेज, आधा कप ग्रेटेड गाजर, आधा कप मेयोनेज, एक से दो टेबलस्पून सेजवान सॉस या रेड गार्लिक चटनी, ये ऑप्शनल है, और एक चुटकी भर सैंडविच मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और हमारे जंगली सैंडविच के लिए कोल्सलॉ रेडी हो गया। तो हमारे मेजर कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं। इसके अलावा मेरे पास बटर है, ब्रेड है, कुछ वेजिटेबल्स जैसे उबले हुए आलू हैं, कैप्सिकम, टमाटर और प्याज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रेडी कर दी हैं मैंने। अब असेंबल करना है हम लोग को सैंडविच को, और फिर उसके बाद हम इसको पकाना कैसे वो देख लेते हैं। एक सैंडविच ब्रेड पर एंड टू एंड अच्छे से मक्खन लगा लीजिए। अब इसके ऊपर हमारी स्पाइसी सैंडविच चटनी अच्छे से लगा दीजिए। अब इसके ऊपर आलू जो है बॉईल किए हुए, उसे ग्रेट करके ऐड करना है। तो आलू को ग्रेट करके अच्छे से एक लेयर इसका बना लीजिए। अब इसके ऊपर ढेर सारा सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैं कैप्सिकम जो है उसे चॉप करके रखी हुई है वो इसके ऊपर डाल रहा हूँ। साथ ही में चॉप किया प्याज भी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब और एक ब्रेड स्लाइस लेकर इसके ऊपर अच्छे से मक्खन और स्पाइसी ग्रीन चटनी लगा लीजिए और इसे अभी इस तरीके से प्लेस कर लीजिए। अब इसके ऊपर फिर से मक्खन और स्पाइसी ग्रीन चटनी जो है हमारी सैंडविच वाली, वो फिर से अप्लाई कर दीजिए। अब इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टमाटर अच्छे से प्लेस कर लीजिए। साथ ही में ऊपर सैंडविच मसाला ऐड कीजिए। सैंडविच मसाला ऐड करने के बाद जो कोल्सलॉ हमने बनाया था उसका एक लेयर आपको अच्छे से लगा लेना है। कोल्सलॉ के लेयर के बाद थोड़ी यहाँ पर ब्लांच की हुई स्वीट कॉर्न ऐड कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर अगर आपको पसंद है तो इसके ऊपर चीज़ ऐड कीजिए। चीज़ ऐड करने के बाद फिर से एक ब्रेड के ऊपर बटर और सैंडविच चटनी लगाकर इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। अब हमारा जो सैंडविच है वो ग्रिल करने के लिए रेडी हो गया है। तो इस तरीके का एक ग्रिल पैन ले लीजिए। ग्रिल पैन को अच्छे से एकदम गर्म कर लीजिए। ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादा तवा भी ले सकते हैं, प्रोसेस बाकी का एकदम सेम रहेगा। एक बार आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाए इसके ऊपर बटर लगाइए अच्छे से। बटर लगाने के बाद सैंडविच को इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। सैंडविच को प्लेस करने के बाद एक इस तरीके से प्लेट ले लीजिए। प्लेट लेकर इसके ऊपर एक लाइटली आपको प्रेशर अप्लाई करना है। ये प्रेशर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जो सैंडविच की ग्रिल मशीन होती है, पनीनी मशीन होती है, उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई कीजिए, इससे जो आपके ग्रिल मार्क्स एकदम परफेक्ट आएंगे, सैंडविच अच्छे से ग्रिल होगा। आपको सैंडविच को अभी जब तक वो क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है एक साइड से, तब तक इसको पकाना है। आप देख सकते हो ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ऊपर से फिर से बटर लगाइए। बटर लगाने के बाद इसे फ्लिप करके सेम प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। फिर से ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हुए क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन दूसरी तरफ से भी हो जाए सैंडविच, तब तक आपको पका लेना है। तो हमारा सैंडविच दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट ग्रिल मार्क्स आ गए हैं और हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। मुंबई स्ट्रीट स्टाइल जंगली ग्रिल सैंडविच इस तरीके से बनता है। और सैंडविच चटनी और सैंडविच मसाला इस तरीके से आप बनाइए और बहुत सारे सैंडविचेस फिर बना सकते हो आप अपने घर पे। बहुत ही डिलीशियस सैंडविच बनता है और एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना है। और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल जंगली ग्रिल सैंडविच रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।